एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो शुरू हो रहा है बालकनी से शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी बजे हैं 8:15 और क्या कहते हैं, हम उठे 7:30 के करीब उठे, तो चाय पी और उसके बाद अब मैं आई हूँ बाहर। तो मैंने कहा बाहर सबसे पहले लगाती हूँ मशीन, क्योंकि एक कंबल पड़ा हुआ था जो बेड से उतरा था, 2 दिन मैंने गर्म कपड़े धोए नहीं थे तो वो ऐसे ही रखा था मशीन में। तो मैंने कहा सबसे पहले आज उसको धोती हूँ। अब उसको लगाया, उसके साथ साथ कपड़े और दूसरे भी निकल आए हैं, क्योंकि कल कपड़े नहीं धुले थे तो कपड़े भी डबल हो गए हैं। कुछ मेरे कोट सेट वगैरह सारे 1-2 पड़े हुए हैं, तो वो भी मैंने कहा साथ साथ आज लगा दूँ। पूजा के पापा के भी कपड़े उतरेंगे तो उतर चुके हैं उनके भी जो कल पहने हुए थे। सबके ऐसे करते करते ताजे इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे कपड़े। तो मैंने कहा आज 2 बैच लगाती हूँ, पहले कंबल धो के एक साइड कर लेती हूँ और फिर नाश्ते का भी देखती हूँ क्या खाना है, पूछती हूँ इनसे, जो कहेंगे वही बना देती हूँ। अच्छे से कपड़े पटक पटक के मशीन धो रही है और सिंगल ही कंबल डाला हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से घूम लेती है और स्पेस अच्छी मिल जाती है। कंबल वगैरह में ना ज़्यादा कपड़े ना डाल तो वो स्पेस अच्छी मिल जाती है। और साथ ही यहाँ रखे हैं दूसरे कपड़े, बस इनको भी मैं अभी ये वाले हटेंगे फिर साथ साथ। हो गए रेडी आप जाने के लिए? हैं, अच्छा सुनो क्या कहते हैं, मैं ना मम्मी घर जा रही हूँ आज। क्यों मना कर रहे हो? मैं जाऊँ ना अपनी माँ के घर? नहीं, इतनी कोई तबीयत खराब नहीं है, मेरे को निकलना है। अच्छा। हाँ। तो मना करता हूँ, कति जाना जाना। हाँ नहीं, मुझे जाना है आज। जाओ भाई, जितना करते हो तो जाओ। नहीं हाँ जाना है। ऐसे क्या हुआ पे? वहाँ पर क्या है, माँ है वहाँ पर। तो माँ यहाँ पे आ जाए। माँ नहीं आती यहाँ पर, हमें ही जाना है वहाँ पर। जाओ फिर जाओ। हाँ तो जाऊँ मैं फिर? जाओ जाओ, मना कर रहा था, मान के कहा तू तो जाओ फिर, ये हो सकता हो क्या कर? तो आप मना क्यों कर रहे थे मुझे ये बताओ पहले। मना थोड़ा कर रहा हूं। आपने मना किया है? मजाक कर रहा था। कैसा क्यों मजाक कर रहे थे? ऐसे मजाक क्यों ना करते हैं मना करने वाले? तेरी माँ जा, मुझे जा हैं, माँ के जा, भाई के पास जा, बहन के पास जा, मैं क्यों मना करूं? वो तो मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगा आज आप कैसी बातें कर रहे हो। और आप तो इन बातों के वो थे कि जब जहाँ जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रुकने वाला है? नहीं नहीं, रोकता कौन है? और एक बात बोलो, रुकता कौन है? नहीं मैं तो नहीं रुकूंगी, मैं तो जाऊंगी। नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ दीदी के साथ ही है। मेरे साथ दीदी भी है, चाबी गिर गई तो मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। है चलो ठीक है, ऐश क्या करूँ? चलो ठीक है, और मैं कपड़े भी धोती हूँ और निकाल लिए मैंने, तो तुम जाओ और साथ साथ एक मशीन एक बार और लगा रही हूँ। मैं चुस्त कहाँ हूँ, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं नहीं चुस्ती है। नहीं क्या चुस्ती दिख रही, वैसे क्या मैं ढीली हूँ क्या? अभी मैं ना ये वाला तो धुल गया कंबल, अब मैं लगाती हूँ ये वाले और ढेर कपड़े पड़ेगा ही, तो सबसे पहले ये लगाती हूँ, फिर मैं आगे खाना बना के फिर ठीक है खाना भेज के फिर मैं निकल जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय। तो गाइस, दीदी को फ़ोन किया, दीदी तो मना कर रही है जाने के लिए। दीदी कह रही है, दीदी का ना बीपी हाई हो रहा है, तो दीदी कर रही है मना, तो मैं ही निकलूँगी। तो मैंने कहा रोटी बस मेरे खाना बनाना है, पूजा के पापा का खाना बना के बस मेरे को फ्री होके मैं निकल पड़ूंगी। और आज मैंने अपने फ्रेंड से भी बात करी है, शायद वो मुझे शाम को मिले तो उससे भी मिल लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उससे नहीं मिली। तो लास्ट उसने मुझे बुलाया था लोहड़ी पे, लोहड़ी के फंक्शन में, तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि मुझे पूजा के वहाँ जाना था, तो मैं उसके यहाँ नहीं जा पाई। तो उसके घर में भी उसके बेटे का बेटा हुआ है, तो उसका उसकी पहली लोहड़ी थी, दादी बनी है वो अभी भी, तो उसके घर में पहली लोहड़ी थी, तो मैं नहीं जा सकी क्योंकि वो उसने बोला नहीं वहाँ से आके उधर आ जाइयो। तो गाइज, एक टाइम पे हम 2 जगह नहीं जा सकते, क्योंकि मैं वहाँ से 1 बजे घर आई, मैं कब जाती उसके घर में। तो मैंने उसके लिए उससे बोला सॉरी, तो उसके बाद वो मुझे मिली नहीं। मिली क्या मतलब, उसको जॉब करती है, उसका टाइम नहीं होता इतना, और घर जाती है तो थोड़ा बच्चे को भी देखना, दादी है देखो, जिम्मेवारियाँ भी बढ़ गई हैं उसके ऊपर, तो वो भी देखती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चल मैंने कहा आज मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा मैं सुनीता से मिलती हूँ अपने फ्रेंड से, काफ़ी टाइम हो गया उससे ना मिली नहीं, तो अब मैं वहीं मम्मी के घर जाके उसे फ़ोन करूँगी, अगर वो आ जाएगी मम्मी के उधर, क्योंकि कई बार ना वो किसी काम से आती है या कई बार सूट वगैरह भी वहाँ से लेती है, तो मैंने कहा पूछ लूँगी उससे कि क्या बात है क्या नहीं। तो अब उससे जब फ़ोन करूँगी तभी पूछूँगी। तो मैंने कहा जब ऑफिस मम्मी के घर होंगी ना तो वहाँ फ्री होंगी, आराम से जाके उससे बात करूँगी। मैं आ गई अंदर, क्योंकि बाहर ना बाहर स्कूटर का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, मैंने झांका नीचे, मैंने देखा वो अभी तक भी आ रहा है, तो बाहर तक कुछ सुनाई नहीं दे रहा था।
मैं कहा पता नहीं इतनी देर से कौन कर रहा है। देखा सामने वाले घर में ना वो स्कूटर को स्टार्ट कर रहे होंगे तो उन्होंने पता नहीं वो चला के ही छोड़ दिया है, तो अभी तक भी आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके बात करती हूँ। तो गाइस मैं होती हूँ रेडी और निकलती हूँ अपनी मम्मी के घर को। थोड़ी देर मेरे को आधा पौना घंटा लगेगा और मैं होती हूँ रेडी। अभी भी आ रही है, देखो अपन चाहते हैं बार बार कि कोई नया कंटेंट लाओ, कोई नया भाई क्या, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी डेली लाइफ है यही है और ज़्यादा बाहर हम घूम नहीं सकते। और क्या कहते हैं, और तीसरा मैं रेसिपी पे कोशिश करती हूँ तो उसमें भी बोल देते हैं, तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और हाँ, अगर मैं आपको एक्सप्लोर वीडियो दिखाती हूँ कि मैं बाहर निकलती हूँ कुछ करती हूँ, तो उसमें तो इतना सुनाते हैं, इतना बोलते हैं, मैं कहती हूँ मैं बस समझ रहे हो कि मैंने जो पिछली वीडियोज डाली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि बस अब ये तो पैसों के लिए, या पैसों के लिए कोई नहीं निकलता, एक शौक होता है एक काम करने का, मेरे को शौक है वीडियोस बनाने का, तो मैं उस चीज़ को कर रही हूँ। तो उसमें मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं, अच्छा मैं फिर घर बैठे तो मैं देखो डेली लाइफ तो हमारी यही है, फिर मैंने सोचा थोड़ा चेंज करती हूँ, वीडियोस पे आती हूँ, उस पे आती हूँ रेसिपी पे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके साथ कोई ना कोई ऐसी रेसिपी शेयर कर सकूँ जो मुझे भी अच्छी लगे बनाने में और आपको भी देखने में अच्छी लगे। तो मैं साथ साथ ये भी कोशिश कर रही हूँ कि अब रेसिपी का होता है, कहीं देखते हैं कहीं नहीं देखते, तो दोनों चीज़ें हैं। आप उसमें तो नया कंटेंट आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ। मैं आपसे ही पूछती हूँ कि आप क्या देखना चाहते हो कि मैं नया कंटेंट में क्या करूँ आखिर। तो जो होता है, अगर हमें कहीं जाना होता है तो जाते हैं, और स्पेशली रोज रोज बाहर नहीं निकला जाता। बाहर पूजा के पापा बिजी होते हैं, पहले पूजा होती थी गाइस मैं उसके साथ निकल जाती थी, मुझे होता है शाम को पूजा के साथ निकल जाती, मैं अकेली हूँ और मैं कहाँ अकेले निकलूँ, या किसको पकड़ूँ, दीदी को कहूँ कि दीदी चलो मेरे साथ, उसका भी घर का काम होता है, उस पर भी जिम्मेवारियाँ हैं। ऐसे बाहर नहीं हम रुल सकते कि मैं बाहर हर वक्त बाहर ही चली जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप मुझे, हाँ ठीक है, आप मुझे बताओ कि नए कंटेंट में मैं क्या चीज़ लाऊँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में और मुझे बनाने में भी वो अच्छा लगे, या मुझे वो चीज़ करने में भी अच्छी लगे। तो आप मेरी उसके अकॉर्डिंग देखो कि मैं ऐसा नया कंटेंट में आपके लिए क्या लाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो आप जरूर देना। एक दिन बीच में कपड़े नहीं धोए, वैसे तो मैं मशीन जो नॉर्मली लगाती हूँ दो दिन में एक बार लगाती हूँ, तो मैंने एक दिन बीच में छोड़ा। असल में वो तो हो रहे थे पूरे एक बैच के ही कपड़े हैं, लेकिन कंबल एक्स्ट्रा था तो कंबल मैंने एक्स्ट्रा मशीन पे साथ साथ इसको धोने दिया। अब सर्दियों के कपड़े जो हटेंगे जैसे थे अंदर रखने वाले हैं, वो भी उतरने शुरू हो गए, क्योंकि मोटी जगते तो अब रह नहीं गई मुझे लग रहा है। पर फिर भी पूजा के पापा की आस है, वो रोज बोलते हैं कि नहीं हो सकता है थोड़ी ठंड वापस आ जाए, पर मुझे उम्मीद नहीं है। अब खुद भी वह उन्होंने काफ़ी कपड़ों में गर्म वाले कपड़े तो छोड़ ही दिए हैं, इनर वगैरह जानना तो बंद कर दिया है उन्होंने, नॉर्मली अपनी जो दूसरी होते हैं वो शुरू कर दिए कपड़े, और क्या कहते हैं इनर बंद कर दिए, इनर जैसे पजामी होती थी ये होते थे पूरा सेट वो तो हटा दिया। तो उनको भी धो धो के अंदर रखते हैं धीरे धीरे, अब जो उतर रहे हैं साथ साथ अंदर ही रखना शुरू हो जाएंगे, पर उनको आस है कि हो सकता है एक बार ही कुछ झटका दे जाए सर्दी जाते आते। मैं कहा देखो झटका दे जाएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अंदर कपड़े कौन से दूर पड़े हैं कि निकल नहीं सकते जहाँ से, आसपास ही तो कपड़े हैं, जब लगेगा झटका दे भी है सर्दी तो डाल लेना कोई नहीं। पर वैसे उम्मीद तो 1% भी नहीं है झटका देने की, पर देखो आगे वेदर का तो हम नहीं कह सकते, पर जिस हिसाब से सूरज रोज निकल रहा है और डेली धूप आती है तो वही मैं इनको कह रही, मैं कहा जैसे तो धूप आती रहेगी रोज, सब जितनी धूप निकल रही है उतनी ठंड भी तो कम होती है। जब हम मेन सर्दियाँ देखते थे उसमें धूप नहीं होती थी, तब जाके सर्दी होती थी ज़्यादा, तो जब सर्दी धूप निकल रही सर्दी कहाँ से होगी। तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, और मैं दोपहर को 3 बजे के करीब आ गई थी मम्मी के घर में, और यहाँ आके थोड़ी देर बैठी बातें करी मम्मी से, शाम हो गई। और मेरी फ्रेंड ना यहीं पर ही पास ही है तो वो जॉब करती है, तो मैंने उसको फ़ोन किया, वो यहाँ पर आ रखी है नीचे मार्केट में, तो कह रही है हेमा आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया मैं उससे मिली भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो उससे भी जाके मिलती हूँ और मम्मी का भी हाल चाल पता कर रहती हूँ। तो मैंने ऐसे ही उसको फ़ोन कर दिया उसके ऑफिस में, उसने कहा मैंने नीचे आना है मार्केट में, तो करमपुरा जॉब करती है वो, तो उसने कहा मैंने मार्केट में आना है, मैं कहा ठीक है तू मेरे से मिल ले, और हम दोनों आज काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि वो जॉब करती है मैं घर में होती हूँ तो उसको मैं टाइम नहीं होता, तो संडे को होता है, संडे को छुट्टी मिलती है तो उसमें वो क्या क्या करे, तो वो घर ही होती है संडे के दिन, और आज मैं अब जा रही हूँ नीचे उससे मिलने। क्या हाल आपका, ठीक है आपका? ठीक है, वो आपके ऊपर रोशनी से ना इस पे थोड़ा फ्लैश पड़ती है तो कम थोड़ा वो आती है लाइट पे, रोशनी से हो रहा है। हाँ और बताओ। बस ठीक है सर। आपने कहा मैं आऊंगी, आए नहीं आप? फिर मैं कहा चलो सीधा चलना में मुश्किल थी। हाँ चलो कोई नहीं, हाँ फिर थोड़ा मौसम भी खुल जाए फिर आना। सेकंड फ्लोर है ना, दिक्कत होती है हमें, आ जाती है दिक्कत कई बारी। हाँ तो चलो उसमें आ जाना आप, बस मैं निकल रही हूँ। चलो मेरे को ना सुनीता मिल रही है नीचे, उसके पास उससे मिलती हूँ, नीचे पहुँच गई है वो।
कह रही है नीचे मार्केट में आ जा, मैं पहुंच गई हूँ सूट वाली शॉप में। मैंने कहा चल मैं भी आती हूँ दो मिनट में, तो ठीक है मैं निकलती हूँ। चलो अब आपने आना जरूर है, हाँ आ जाना ठीक है। मम्मी अब चली मैं, ठीक है टाइम हो गया मेरा। पूजा काकू ठीक है? हाँ काकू ठीक है, और पूजा भी। हाँ पूजा आ जाइए एक दिन में। कमल कॉफी मम्मी से लेनी बेटा। चलो मैं बोलूंगी इनको, बोल दूंगी कि मम्मी बुला रही है तो चल पड़ेंगे किसी दिन। टाइम होता नहीं, एक छुट्टी भी नहीं, छुट्टी करते ही नहीं है बिल्कुल। नहीं नहीं करते ही नहीं ना, तो रात को 10:30 आए, टाइम ही नहीं है बिल्कुल। फिर भी बोल दूंगी किसी दिन, एक छुट्टी कर लेंगे ठीक है। छुट्टी करेंगे किसी दिन, मैं आ जाऊंगी। और पूजा ठीक है, पूजा आ जाएगी एक दिन के अंदर, पूजा मन्नू भी आ जाएंगे। हाँ चलो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो। तो गाइज हम यहाँ पर आए हैं स्टिच एंड स्टाइल में, तो मेरी फ्रेंड आई थी स्टिच एंड स्टाइल में, मैं स्पेशल उससे मम्मी के यहाँ आई मैं मिलने आई। और सुनीता क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, तू बता हेमा बढ़िया कैसे है? और तूने क्या खरीदा है? मैंने दो सूट लिए हैं यहाँ पे। दो सूट लिए दिखा। हाँ दोनों अच्छे हैं, कलर प्यारा है, प्यार कलर दोनों अच्छे हैं कलर। ये ब्राउन है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चॉकलेट कलर मैंने कभी पहना नहीं है, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करो। जो भी यहाँ से है हमें देखते हैं पटेल नगर से, तो मैं मम्मी के यहाँ आ रखी हूँ, तो मेरी फ्रेंड तो यहीं से लेती है। एज इट माई ब्रदर है। हाँ ये देखो, तो मेरी मैं चाहती हूँ कि पटेल नगर के सारे जितने भी हैं सब लोग यहीं पे आए। हाँ तो मैं तो मेरे को मिली है, यहीं पर आई है, तो मैंने कहा चल मैं मिलती हूँ। मम्मी को मिलने आई थी ना, तो मैं मम्मी के पास आ रही थी, तो मैंने इसको फोन किया, कहती मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, मैं कहा चल मैं भी मिल लेती हूँ। तो यहाँ सूट वाली दुकान पे आए, तो मैंने कहा सूट तो काफी अच्छी वैरायटी है, और स्टॉल्स वगैरह भी मुझे अच्छे लगे हैं काफी यहाँ पर। तो इसने भी लिए हैं दो, दोनों के अच्छे हैं, कलर प्यारा है, बहुत सुंदर है। तू भी तो पहले यहीं से लेती थी? मैं लेती थी जब भाभी जी थे यहाँ पर। हाँ हाँ लेती थी, मैंने काफी ले रखी है यहाँ से। हाँ काफी ले रखी है। विष्णु गार्डन चल गए तो चेंज हो गया लगता है? नहीं नहीं यार नहीं, हमारे वहाँ अनमोल टेक्सटाइल। नहीं हाँ छोड़ती तो नहीं हूँ, बट वहाँ से भी ले लेती हूँ। चल चलेंगे। तो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ घर, और आज मैं मिली अपनी फ्रेंड से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी देर हमने आधा घंटा बातें करी, वहीं खड़े हो गए थे एक साइड होके, और वहाँ पर बुटीक में भी मिल ली थी, तो उसके बाद भी उतना ही टाइम था, आधा घंटा मेरे पास भी उतना ही था, क्योंकि मुझे भी घर पहुँचना था। मैं आई पूजा के पापा की शॉप में, फिर मैं आई अपने घर में। आते ही मैंने सबसे पहले बनाई, मैं नौ वहाँ तो पहुँच गई थी, मैं क्या कहते हैं पूजा के पापा की शॉप में 7:45 तक पहुँच गई थी। फिर मैं आधा पौना घंटा उनके साथ बैठी, तो उसके बाद क्या कहते हैं फिर काकू, काकू भी किसी काम से आया हुआ था, पापा का उसको सामान देना था। फिर काकू और मैं घर वापस आ गए, और फिर मैंने काकू ने बना के दी मुझे चाय, और हमने मैंने और काकू ने चाय पी के फिर अब मैं थोड़ी देर बैठी हुई ऐसे फ़ोन देख रही थी। मैं कहा चलो थोड़ा देर, ना दिन में देखा नहीं सारा दिन फ़ोन, थोड़ा फ़ोन वोन देखा, तो अब मैं बनाती हूँ अपने, अब करती हूँ रात के खाने की तैयारी। गाइस खाना खा चुके हैं हम लोग, और अब कर रहे हैं सोने की तैयारी। पूजा के पापा तो सो गए हैं, बस मैंने कहा मैं भी गुड नाइट करके सोने की तैयारी करती हूँ, सारा कुछ अंदर से बंद करके आती हूँ, देखती हूँ सारी लाइट्स वगैरह सब कुछ, और फिर करते हैं बस। फ्री तो हो चुके हैं, तो बस मैं तो घंटा एक देखती हूँ मोबाइल में लगूंगी, उसके बाद मेरे को भी नींद आ जाएगी। मैम ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक लास्ट है मेरा, और पूजा के पापा का 11:30 तक वो सो जाते हैं, वो सो गए हैं, तो बस मैं भी करती हूँ गाइस यहाँ। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर, एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।